नमस्कार दोस्तों, इनकी आयु 30+6 मंथ की हो चुकी है। ये लकी साइन वाले हाथ है, हमेशा करोड़ों में इनकम करते रहेंगे, इस तरह का हाथ है ये। ठीक है, रुकावटें जब आएगी, राहु रेखा काटेगी, वो बात अलग है, बाकी नॉर्मल ये समृद्धि देने वाला हाथ है। जैसे जैसे और उम्र आगे बढ़ेगी, इनकम और बढ़ती जाने वाली है। वर्तमान में एक जबरदस्त राहु रेखा ने काटा हुआ है और उसका पेन जिस व्यक्ति को इस तरह की रेखा काटती है उसी व्यक्ति को पूछो, मनोचिकित्सक के पास भी जाना पड़ जाता है और ये गए हुए हैं, ये कंडीशन होती है। राहु रेखा पर मैंने एक विस्तार से वीडियो बनाया हुआ है सरकार पामिस्ट्री चैनल पर, जिस व्यक्ति को जानना है राहु रेखा क्या खेल करती है उधर जाके देख सकता है। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ये दो उंगलियां थोड़ी सी भी ऊपर की तरफ हो तो ऐसे लोग जो समय पर निर्णय लेना होता है वो ले नहीं पाते और उसके बाद पछतावा होता है कि ये कार्य किया होता तो अच्छा होता था। मैं इनको सलाह दूंगा, कोई भी निर्णय लेने का समय आए तब 2-4 लोगों से बात करके आगे बढ़िए, तो ये पॉजिटिव रहेगा आपके लिए। ये पूरा स्क्वेरिश पाम है, व्यक्ति मेहनती होता है और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाता है। फर्स्ट फैलेंज नुकीला कम है तो इधर उधर ध्यान भटकता है, सेकेंड फैलेंज अच्छा है, लॉजिक के साथ तत्व के साथ अपनी बात रख पाते होंगे और हाथ के मुकाबले अंगूठा इतना भी मोटा नहीं है तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज नेचर भी होगा इनका। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते हैं। सूर्य की उंगली बड़ी है, ये व्यक्ति को हिम्मती स्वभाव देती है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो आसानी से लेते। छोटी उंगली फर्स्ट फैलाएं तक नहीं पहुंच रही तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति कमज़ोर होता है। आप भविष्य में पैसा अच्छा कमाने वाले हो, अकाउंट के लिए अच्छा व्यक्ति रखना, नहीं तो आपको अकाउंट की वजह से तकलीफ आएगी। यानी पढ़ा लिखा होशियार व्यक्ति रखना, ये आपको मेरी सलाह है। और ये उंगली थोड़ी सी बैंड हो रही है फर्स्ट फैले तो व्यक्ति को पैसा कमाने की ललक भी अच्छी खासी पाई जाती है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुध पर्वत अपने आप में उभार है, ये व्यक्ति को सुंदरता भी मिलती है और खड़ी लाइन है तो ऐसे लोगों को बुढ़ापे में भी व्यवस्थित इनकम होती है। बिजनेस सेंस अच्छा पाया जाता है बुध पर्वत अच्छा हो तो, और 2-4 भाषाओं के जानकार भी होते, बोलने ना आए तो समझ इसको जरूर आती है। यहाँ पर छोटी सी यश साइन भी है तो व्यक्ति को यश भी प्राप्त होता है, यानी फेम भी। ये क्रॉस बनते हुए मुझे दिख रहा है, ये जब क्रॉस बनता है तो 3 माइनस पॉइंट होते हैं, 3 में से कोई एक, या तो पिता का साया छोटी उम्र में चले जाना, या पिता से मतभेद, या पिता से दूर रहना, 3 में से कोई एक माइनस पॉइंट मिलता है। और चौथा जो मिलता है वो सबको मिलता है क्रॉस की वजह से, वो होता है जरा सा आगे बढ़े तो टांग खींचने वाले लोग रेडी रहते हैं, या ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि हमें वापस पीछे आना पड़ता है। ये चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा। अब इनकी साइनें देखते हैं, बहुत अच्छी साइन है इनके हाथ में, समृद्धि जीवन भर बनी रहेगी इनके हाथ में। ये देखिए, यहां पर एक क्लियर कट साइन है, और एक साइन और है, दो साइन है, एक बहुत लाइट रेखा से बन रही है, और इसके पास में एक और है।
एक यहाँ पर भी है। और एक इस जगह पर भी है। तो ये हमेशा करोड़ों में खेलते रहेंगे, उसमें कोई दो मत नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं है। समृद्धि इनके जीवन भर बनी रहेगी। और 1 मिनट स्क्वायर साइन है कि नहीं वो भी देखें, क्योंकि इनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी सवाल है, वो भी देख लेते हैं। यहाँ स्क्वायर साइन लग तो रहा है, नहीं पर ये यहाँ ओपन है, स्क्वायर नज़र नहीं आ रहा है मुझे, जैसे यहाँ पर है स्क्वायर। ये व्यक्ति को मल्टी सिटी का काम करवाता है और आसपास के लोगों को लगता है इनके जीवन में तो सब बल्ले बल्ले, इनको क्या प्रॉब्लम है, इस तरह की फीलिंग लोगों को आती है। इनकी जो लाइफस्टाइल होती है वैसी होती है। शनि पर्वत पर यहाँ पर उभार हो तो व्यक्ति को सुबह उठने में अच्छा नहीं लगता, आनंद नहीं आता। और ये जो लाइन है, ये इनकी जो कैपेसिटी होती है उससे भी बड़े बड़े लोग इनके संपर्क में आते हैं ये लाइन की वजह से। जुपिटर माउंट अच्छा है तो पारिवारिक और सांसारिक सुख व्यक्ति को अच्छा मिलता है। यहाँ पर मुझे स्क्वायर साइन भी नज़र आ रही है, तो 32 के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पर पहुँचता है। और ये स्क्वायर रहा तो बड़े घर में रहने का सौभाग्य भी प्राप्त होगा। और यहाँ पर ट्रायंगल भी बन रहा है तो ये व्यक्ति को पॉलिटिकल और सरकारी लाभ कराता है, और न भी लाभ हो तो भी आम लोगों से ज्यादा समृद्ध होते हैं ऐसे लोग। अंदरूनी मंगल भी व्यवस्थित है, मध्यम टाइप का, तो सारी ऊर्जा मध्यम टाइप की रहेगी। बाहरी मंगल बहुत ज्यादा अच्छा है, जब किसी से मिलेंगे एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। अब चंद्र पर्वत पर ट्रायंगल मैं दूसरे फोटोग्राफ में लेकर चलता हूँ, उस पर क्लियर कट समझ में आ रहा है ट्रायंगल। इनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी काम करना है, या तो इंपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है, तो ट्रायंगल ऑलरेडी है इनके हाथ में। यहाँ पर एक यहाँ पर भी है तो ये विदेश वाला काम कर सकते हैं, उसमें कोई ना नहीं। और ये स्क्वायर साइन भी यहाँ बत रही है तो व्यक्ति सच्चाई पसंद इंसान होता है, इनको झूठ पसंद नहीं आता। एक ट्रायंगल यहाँ पर भी है तो आप आराम से आगे बढ़िए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं। और चंद्र पर्वत भी अति उत्तम है, ऐसे लोगों को पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है, ये सारा गुणधर्म इनको लागू होता है। शुक्र पर्वत में भी कोई कमी नहीं है, काफ़ी व्यवस्थित शुक्र पर्वत है, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, ये सारे लक्षण व्यक्ति को मिलते हैं। अब हृदय रेखा को देखें तो पूरी देखिए, हृदय रेखा यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ऐसे लोगों में इन पे आंख मूंद के भरोसा कर सकते हो, भरोसे लायक इंसान होते हैं। जीवन से एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा रहती है, इनको प्यार का प्रदर्शन करने नहीं आता, चाहे परिवार का कोई भी व्यक्ति हो उसको प्यार का प्रदर्शन कर ही नहीं पाएंगे। हाँ, उसके साथ घूम लेंगे 2-4 दिन, पर उस सामने वाले को लगेगा नहीं कि यह व्यक्ति मुझसे प्यार करता है, ये इनका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट होता है। और कंफर्ट जोन से निकलना इनको जरा भी पसंद नहीं है, इरिटेट होते हैं ये लोग। ये जो फोटो भेजते होंगे, इन्होंने बड़ी मुश्किल से फोटो निकाले होंगे, क्योंकि वो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना हुआ।
माइन लाइन भी अति उत्तम। यहाँ पर एक आध दो जगह पर ब्रेक भी है, पर इतना साफ फोटो नहीं है। चलिए, पर फिर भी मैं एज नहीं निकाल पाऊँगा। ये ब्रेक दिख रहे और वो लगभग पीरियड, एक ब्रेक तो चला गया, एक अभी वो भी चला गया, दोनों ब्रेक चले गए। ये यहाँ पर है ब्रेक, ये भी राहु रेखा जैसा काम करता है। और व्यक्ति सीरियस नहीं होता जीवन के प्रति। लगभग चला गया। ऐसी कोई घटना घटती है जिससे व्यक्ति विचलित होता है, मानसिक रूप से त्रस्त रहता है, और तब तक सीरियस भी नहीं रहता जीवन के प्रति। पर उसके बाद ये जीवन के प्रति सीरियस बनेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे कोई कट नहीं है। और माइंड लाइन काफी सीधी है, तो ऐसे लोग ज्ञान भी लेते रहते हैं। अब एकदम साफ फोटो नहीं है, इसके लिए मैं विवरण नहीं दे पाता, नहीं तो कमर से रिलेटेड यानी 10 मिनट भी सीधा बिना हिले डुले बैठ रह नहीं पाता, बिना सपोर्ट के व्यक्ति बैठ नहीं पाता, कमर में एक थोड़ा सा पीछे से दर्द होता है, इस तरह की माइंड लाइनों पर उतनी साफ फोटो नहीं है। इसके लिए मैं जजमेंट एकदम छाती ठोक के नहीं कह रहा हूँ। अब इनकी जीवन रेखा पर चले तो ये देखिए, ये एक जबरदस्त रेखा ने आके काटा, ये 29.5 के आसपास ये रेखा ने काटा होगा, और उसके बाद 31 के आसपास भी एक छोटी सी राहु रेखा आएगी जो डिस्टर्ब करेगी। ये बहुत ज़्यादा तो डिस्टर्ब नहीं करेगी, पर करेगी जरूर। और यहाँ पर इनकी कोई नियर एंड डियरर की भी डेथ हुई होगी या होने वाली है। उसके बाद देखें तो एक राहु रेखा इस जगह पर आएगी 34.5 के आसपास, और एक राहु रेखा 37 के आसपास आएगी। उसके बाद 43 के आसपास राहु रेखा आएगी। उसके बाद 46 में बहुत बड़ा ऑफशूट मिलेगा इनको, जो कोई ना कोई प्रोग्रेस दिलाएगा या प्रॉपर्टी दिलाएगा। एक 49 के आसपास बड़ी राहु रेखा आएगी, एक 52 के आसपास बड़ी राहु रेखा आएगी, और एक 55 के आसपास बड़ी राहु रेखा आएगी, और 56 के आसपास बहुत बड़ा ऑफशूट है, तो कोई बड़ा लाभ होगा, और 57 के आसपास कोई नियर एंड डियरर की डेथ भी है, और उसके बाद कोई राहु रेखा नहीं है। उसे 12-15 साल के बाद एक ऑफशूट है, और ये ट्रैवल लाइन है, तो व्यक्ति के जीवन में ट्रैवल भी रहेगा। अब धन रेखा पर देखें तो इस जगह पर मुझे ये लगभग इन्वेस्टमेंट लाइन ही लग रही है, कोई और फोटोग्राफ में देखते हैं। यस, 99% ये इन्वेस्टमेंट लाइन है, ये इन्वेस्टमेंट होगा 41 के आसपास, या फिर कोई नुकसान जाएगा, दो में से कोई एक होगा, पर 99% इन्वेस्टमेंट लाइन है, और एक हल्का सा नुकसान 53 के आसपास जाएगा, बाकी ये इन्वेस्टमेंट लाइन लग रही है। और ये कट था कि ये वर्तमान में हो ना हो कोई खर्चा आया होगा या कोई नुकसान गया होगा इनको। अब इनके जो धन रेखा है, ऐसी कोई खराब धन रेखा नहीं है इनकी,
कहीं पर भी, यानी आने वाला समय इनकी इनकम तो बढ़ाएगा। कोई ऐसी मुझे खराब रेखा दिख नहीं रही है। हाँ, ये रेखा इस जगह से 46 से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन रही है, ये रेखा भी 46 से ज़्यादा स्ट्रांग बन रही है, और अप टू एंड तक रेखाएं स्ट्रांग ही है, और बहुत सारी रेखा है, तो कोई बहुत ज़्यादा चिंता करने वाली बात है नहीं। हाँ, ये जो ब्रेक था ये ज़रूर था, ये मानसिक रूप से त्रस्त कर देता है, पर इनका सीधा फोटो एक भी कभी आया ही नहीं। एक और फोटोग्राफ से है, नहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम हाथ में धन रेखा पर तो नजर नहीं आ रही है, तो ये पैसा तो व्यवस्थित कमाएंगे, उसमें कोई ना नहीं। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और जहाँ जहाँ मैंने उपाय बोला इनको अगर उपायों की जानकारी चाहिए होगी तो मैं दे दूंगा। आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।